सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अंजुम कांदरी की मुख्य याचिका सहित 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट के फैसले का मतलब है कि यूपी में मदरसा चलते रहेंगे, छात्रों के भविष्य पर संकट नहीं है। यूपी में 13,000 मदरसों में 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। इस फैसले पर सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया, मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने, लेकिन कुछ कठ मूल्य ने सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है, देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 मार्च को इस कानून को असंवैधानिक और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसे के विद्यार्थियों को औपचारिक विद्यालयों में पढ़ने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मदरसे के विद्यार्थियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के मामले में अपने फैसले में कहा है कि मदरसा एक्ट 2004 जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को आज जो है निरस्त कर दिया और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये कहा है कि मदरसा में जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो सारी इक्वालिटी एजुकेशन है। NCPCR ने जो क्वेश्चन किया था, NCPCR के क्वेश्चन को दरकिनार करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों ने मदरसा एक्ट को पूरी तरह से जो है वैधानिक माना है, कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जाकर के इस चीज़ की केवल गणना किया कि मदरसे में केवल और केवल धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, उससे हट करके कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जाती है, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना तो मदरसा एक्ट में सारे प्रोविजन्स मेंशन हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। और इसके साथ साथ सरकार को दिशा निर्देश जारी किया है कि यदि मदरसा में कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है तो क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलेशन ला सकती है।